वेलकम टू डैडाज रेसिपीज। और आज डैडाज किचन में बनने जा रही है जी ढाबा स्टाइल चना की दाल, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े की। तो आए बनाने की तरफ चलते हैं जी। तो हमने यहाँ पे ली है चने की दाल, जिसे मैं बॉईल कर रही हूँ। जब तक ये अच्छी सी गल जाती है, हम क्या करते हैं, हम मसाला तैयार कर लेते हैं ताकि दोनों काम एक साथ हो जाएं। जी, तो अब दाल को हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। जी। तो मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें 1/4 कप मैंने ऑयल ले लिया है और 2 मीडियम साइज मैंने प्याज लिए, उन्हें चॉप कर लिया। ये मैं इसमें डालूंगी, इन्हें बहुत अच्छा सा लाइट ब्राउन ब्राउन कलर में लेके जाऊंगी। और फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। जी, अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया। अभी इसमें डाल देंगे हम सूखा धनिया, 2 टेबल स्पून सूखा धनिया चला गया। अभी इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी और 3 टेबल स्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर। बहुत अच्छा सा इसको करेंगे मिक्स और फिर उसके बाद हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अभी जाएंगे इसमें 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और साथ ही हम इसमें 2 बड़े साइज में मैंने टमाटर लिए और उनको मैंने काट लिया है, वो डाल देंगे। मोटे मोटे मैंने काटे हैं और इनको कर लेंगे मिक्स। टमाटर डल के जी अभी हमने टमाटरों को गलाना है और उसके लिए मैं इसमें 1/2 कप डाल दूंगी पानी और इसको दूंगी ढाँप। और 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हमारी टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएंगे और मसाला बहुत अच्छा सा भुन जाएगा। जी, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारा मसाला जो है वो देखें, टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं। जो कुछ रह गए हैं हम उन्हें इस तरह से करके मैश कर लेंगे और फिर हम करेंगे 3 से 4 मिनट मसाले की भुनाई ताकि बहुत अच्छा सा मसाला बन जाए। अभी मैं करूंगी आंच को तेज़, जो कि मैंने कर ली है, और अभी हम करेंगे मसाले की भुनाई। दाल हमारी बहुत अच्छी सी गल गई है और हमारा मसाला भी बहुत अच्छा सा रेडी हो रहा है। तो अभी मसाला जैसे ही रेडी होता है हम इसके अंदर डाल देंगे। जी, मसाला हमारा बहुत अच्छा सा प्रिपेयर हो गया है, भुन गया है। तो अभी हम इसमें करेंगे दाल को मिक्स। जी, तो मैं कढ़ाई के अंदर ही ये मसाला डाल रही हूँ और इसको करूँगी बहुत अच्छा सा मिक्स। चल, चूल्हा नीचे ऑन है, इसको हम करेंगे बहुत अच्छा सा मिक्स। जी, मसाले में दाल बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अभी हम क्या करेंगे जी, अभी हम डालेंगे इसमें मेथी और साथ ही इसमें डालेंगे भुना हुआ गरम मसाला और आंच को कर देंगे हम बहुत हल्का 5 से 6 मिनट के लिए। जी, तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और दाल और मसाला बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया है। अभी हम करेंगे इसका पगाड़ तैयार, तड़का तैयार, झटपट से हो जाएगा और फिर हम इसको लगाएंगे तड़का। जी, 1/4 कप मैंने ऑयल ले लिया है पैन में और इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून जीरा और इसको हम लेंगे कड़कड़ा। जब बहुत अच्छा सा ये कड़कड़ा जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे जी कोकन मिर्चें 4 से 5 इधर। अब देख रहे हैं जीरा मूव करने लग गया है, दैट मींस कि ये कड़कड़ाने की तरफ चल पड़ा है। बस जी, जीरा हमारा बहुत अच्छा सा कड़कड़ा गया है। अभी इसमें 1 तेज़पत्ता और 3 से 4 ये कोकन मिर्चें हम डाल देंगे और बहुत अच्छा सा तड़का तैयार कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर। इसको बहुत जल्दी से हिला लेंगे और ये हमारा तड़का हो गया रेडी। तो अभी हमने ये जो मसाला या पगाड़ तैयार किया है ये हम अपनी दाल पे लगा देंगे। लग गया जी। और साथ ही हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे।
अब इसको हम रखेंगे 1 से 2 मिनट के लिए इसके ऊपर हल्की आंच पे, और फिर हम इसे करेंगे डिश आउट। जी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारी दाल बहुत ही खूबसूरत रंगों के साथ, बहुत ही मज़े के टेस्ट के साथ रेडी है। जी तो हमारी ढाबा स्टाइल चने की दाल रेडी है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़े की। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को रिंग कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।